गृह विज्ञान कक्षा 10। आज का टॉपिक है आहार और पोषक तत्व। आहार के पोषक तत्व। प्राणी मात्र के लिए आहार या भोजन का सर्वाधिक महत्व है। प्रत्येक प्राणी की जीवित रहने के लिए हवा के उपरांत आहार की मुख्य आवश्यकता होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी प्राणियों को आहार की नियमित आवश्यकता बनी रहती है। शरीर के रखरखाव, वृद्धि, सुरक्षा तथा क्रियाशीलता के लिए आहार की आवश्यकता होती है। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सभी प्राणियों का आहार प्रकृति द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। मनुष्य का आहार प्रकृति द्वारा पूर्व निश्चित नहीं है। आहार के वे तत्व जो शरीर का पोषण करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे आप गाय को देखते होंगे, वो घास खाते हैं और शेर का जो है मांस है आहार के लिए। मनुष्य अपनी इच्छा, रुचि, आवश्यकता, खाद्य सामग्री उपलब्धता आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अपना भोजन चुनता है। इसी कारण कुछ मनुष्य शाकाहारी तथा कुछ मांसाहारी होते हैं। विवेकशील मनुष्य अपने भोजन को अधिक लाभदायक, उपयोगी, स्वादिष्ट तथा रुचिपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जैसे भारत में अधिकतर लोग शाकाहारी हैं, लेकिन ठंडी देशों में अधिकतर लोग मांसाहारी होते हैं। आहार का अर्थ एवं परिभाषा। भूख लगना प्राणी मात्र का एक नैसर्गिक लक्षण है। जो कुछ भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से भूख शांत हो जाए, साधारणतः उसे आहार कहा जाता है। जैसे यदि किसी मनुष्य को भूख लग जाए और उसे हम कोई कंदमूल फल खाने को दे दें तो उसका भूख शांत हो जाए, तो वह फल या वह कंदमूल को उस प्राणी या मनुष्य का हम आहार कहेंगे। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि जो सामग्री ग्रहण करने से प्राणियों या मनुष्य की भूख शांत हो जाए वह सामग्री आहार है। किंतु आहार का उद्देश्य केवल भूख शांत करना नहीं है, बल्कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, वृद्धि एवं विकास योगदान देना और शरीर की सुरक्षा करना भी इसका कार्य है। अतः यदि हम कहें तो यह कह सकते हैं कि वह ठोस या तरल सामग्री आहार कहलाते हैं, जिसे ग्रहण करने से भूख मिटती है, शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है, शरीर का अंदर होने वाले टूट फूट की मरम्मत होती है तथा प्राणी रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त आहार ग्रहण से एक विशेष प्रकार की तृप्ति या संतुष्टि भी प्राप्त होती है।